नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और सर्दियों में खूब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सर्दियों में पढ़ने का मजा ही अलग होता है। रजाई में बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं और टाइम का पता नहीं चलता, और साथ ही जो घर पे बैठे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो इसी के लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। एनिमल अटेंडेंट की भर्ती 5,000 ही है, लेकिन आपको फॉर्म फिल 15 से 20 लाख के बीच में होंगे, और वही स्टूडेंट पास होंगे जो नियमित तैयारी करेंगे और लगातार तैयारी करते रहेंगे, और जो नियमित क्लासें लगाते रहेंगे। पार्ट बी में जो बंदा 45 में से 44 या 43 या 40 के आसपास नंबर ले गया, उसका एनिमल अटेंडेंट में सिलेक्शन पक्का है। और एनिमल अटेंडेंट एक जॉब है जिसके साथ आप अलग भी तैयारी कर सकते हैं। अलग से तैयारी मतलब नॉर्मल सी जॉब है, कोई ज़्यादा काम नहीं होता और सैलरी भी अच्छी खासी है, 20,000 है, जिससे आपकी बढ़िया बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और बेरोजगारी का टैग भी हट जाएगा। यही एनिमल अटेंडेंट है। तो उसी जोश और उसी जुनून के साथ हमने क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने बात की थी पशुपालन में क्या होता है, पशुपालन की डेफिनेशन की थी और प्रोजेक्ट किए थे भाई, कौन कौन से प्रोजेक्ट पशुपालन में और या एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने 1964 में ICDP की शुरुआत हुई थी, या DDDP की शुरुआत हुई थी 1970-78 में, ICDP NCDC के द्वारा मतलब शुरुआत की गई थी। तो ये हमने सबसे सब चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे पशुपालन विभाग या पशुपालन को कितने भागों में बांटा गया है, पशुपालन को कितने भागों में बांटा गया, या डेयरी टेक्नोलॉजी को या डेयरी साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो शुरुआत करते हैं उसी जोश और उसी जुनून के साथ अपनी क्लास की। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आप हाथों हाथ नोट कर लें, और बीच में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा 1-2 सेकंड का, तब आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप बढ़िया से नोट्स तैयार कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पशुपालन। पशुपालन या डेयरी साइंस को, या डेयरी साइंस या दुग्ध विज्ञान को कितने भागों में बांटेंगे। तो दुग्ध विज्ञान या पशुपालन को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इसमें 3 भाग है। पहला भाग है डेयरी टेक्नोलॉजी। क्या है, डेयरी टेक्नोलॉजी। दूसरा है LPM। क्या है, LPM। और तीसरा है वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस। तो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री को कितने भागों में बांटा गया है, या दुग्ध विज्ञान में कितने भागों में बांटे गए, 3 भागों में, डेयरी टेक्नोलॉजी, LPM, वेटरनरी साइंस। डेयरी टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, दुग्ध विज्ञान। LPM को क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसे पशुपालन में उनका प्रबंधन। तीसरा है वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस में हो गया अपना चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में तो हम डेयरी टेक्नोलॉजी में बात करेंगे, कौन कौन सी दूध के उत्पाद बनाए जाते हैं, दूध में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन होगी, या मिनरल्स होगी, जैसे खनिज लवण हो गया, इन सभी की बातें करेंगे। कौन से डेयरी टेक्नोलॉजी में एक और बात करेंगे, जैसे गाय का दूध है उसमें कितने परसेंट पानी की मात्रा होती है, कितने परसेंट वसा की मात्रा होती है, और कितने परसेंट उसमें मिनरल्स होते हैं। तो ये सभी बातें करेंगे अपने डेयरी टेक्नोलॉजी। दूसरी है LPM, LPM लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पशुपालन में उनका प्रबंधन। पशुपालन में उसका प्रबंधन, इसके बारे में बात करेंगे, जैसे पशुओं का आवास हो गया उनके बारे में, और उनकी नस्लों के बारे में बात करेंगे LPM के बारे में, LPM में। तो तीसरी होगी वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस में बात करेंगे पशुओं को कौन कौन से रोग होते हैं, उनके उपचार के लिए कौन कौन सी औषधियों की उपयोग किया जाता है, और कौन कौन से टीकाकरण किया जाता है, और कब किए जाते हैं, ये सभी बातें करेंगे अपने वेटरनरी साइंस में। तो आज अपने पशुपालन में अपना पहला भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है डेयरी टेक्नोलॉजी। तो डेयरी टेक्नोलॉजी पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको 3 भागों में बांटेंगे, डेयरी टेक्नोलॉजी, LPM और वेटरनरी साइंस। अब शुरुआत करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में क्या चीज है, तो शुरुआत करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी। आप हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लें और नोट्स तैयार करते रहें, ताकि आप बढ़िया से नोट्स तैयार कर सकें।
कर सकें। तो डेरी टेक्नोलॉजी में क्या है, अपने पहले बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड या इसे कहते हैं कौन, क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति। तो डेरी टेक्नोलॉजी में बात करते हैं पहले ऑपरेशन फ्लड की। डेरी टेक्नोलॉजी में बात करते हैं हम अपनी क्या, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति क्या है, इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और क्यों शुरुआत की गई इसकी, और किसने की, और इसे कितने चरणों में बात संपन्न हुई, इस सभी की चर्चा हम करेंगे श्वेत क्रांति में। श्वेत क्रांति क्या कारण है अभी भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। तो भारत में मेनली कारण आपको पता है हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी, उसमें भारत में मतलब खाद्यान्न की कमी थी, तो या विश्व में एक बहुत बढ़िया अपने वैज्ञानिक हुए जैसे जिन्होंने विश्व में शुरुआत की थी हरित क्रांति की, ग्रीन रिवोल्यूशन की, जैसे नॉर्मन ई वॉर्लक हो गए, और अपने इंडिया में जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी जिन्होंने अपने इंडिया में शुरुआत की थी। तो इसका मेन उद्देश्य था कि भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में अपना आत्मनिर्भर बनाना, और उसी का मतलब धारणा लिए एक श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति का मेन उद्देश्य था भी इसे डेयरी के क्षेत्र में अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि भारत का मतलब अब भारत दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो इसी का कारण है श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई, श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी 1970 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी 1970 में। 1970 में की गई थी। 1970 में इसकी शुरुआत की थी अपने एक वैज्ञानिक हुए थे जिसे हम मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है, और उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये कहां से थे और इनकी जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 1921 में हुआ था केरल में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म कहां पे हुआ था, 1921 में केरल में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 9 सितंबर 2012 को। 9 सितंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, जो मेनली दो नंबर का इंस्टीट्यूट था, जो हमने मेन सेंटर के इंस्टीट्यूट किए थे, जैसे NDDB हो गया, उसी के साथ मिलकर श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, मिल्कमैन या फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। इनको किन नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक के बारे में, जनक के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसके श्वेत क्रांति के मेनली इन्होंने तीन चरणों में शुरुआत की गई थी। पहले श्वेत क्रांति 1970 में इन्होंने तीन छोटे छोटे चरणों में शुरुआत की थी। पहला चरण शुरुआत की थी 1970 में। तो इन्हीं चरणों की मतलब इसमें क्या क्या किए गए थे, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, जिनका जन्म 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। मिल्कमैन ने की थी, इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन कहा जाता है और फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। इन्होंने NDDB अपने एक इंस्टीट्यूट है, NDDB नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड या NDDB के साथ मिलकर शुरुआत की थी, जिसकी स्थापना 1965 में की गई आनंद गुजरात में। इन्होंने मिलकर इसी के साथ ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किसके साथ की थी मिलकर, आगे बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड में तीनों चरणों में क्या किया गया, किस चरण में कितनी डेयरी बनाएगी, क्या इनका मूल उद्देश्य था। तो बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड में कौन कौन से चरण थे और किसके साथ मिलकर की थी, NDDB और वर्गीज कुरियन ने
वर्गीज कुरियन ने एनडीटीवी के साथ मिलकर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। तो इसने इसमें तीन शरण हुए थे, तीन शरणों में पहला शरण था जिसकी शुरुआत की गई, फर्स्ट चरण जिसकी शुरुआत अपने की गई थी 1970 से 80 के बीच। इस शुरुआत ये 10 साल तक चरण चला था जिसकी शुरुआत की गई थी 1970 से 80 तक। दूसरा चरण था अपने जिसकी शुरुआत की गई थी 1981 से 85, और तीसरा चरण अपने स्टार्ट किया गया था 1970 से 80, दूसरा 1981 से 85, तीसरा चरण था 1990 से 2000 के बीच में शुरुआत की गई थी ऑपरेशन फ्लड, और सॉरी 1985 से 1996 तक शुरुआत की गई थी। तीसरा चरण कब किया गया था, तीसरा चरण किया गया था 1985 से 1996 तक, सॉरी 1996 तक। तो पहले चरण में क्या किया गया था, पहले चरण में अपने किया गया था, अभी पहले चरण में क्या हुआ, सेकंड चरण में क्या हुआ और थर्ड चरण में क्या हुआ। तो पहले चरण में सबसे पहले इन्होंने 18 दुग्ध केंद्र खोले जिनको मेनली एक चार महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इनके साथ जोड़ा गया। तीसरा पहला चरण है जिसमें क्या जोड़ा गया, 18 केंद्र खोले और चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के साथ जोड़ा गया। तो पहले चरण में 18 केंद्र खोले गए और चार महानगरों को इसके साथ जोड़ा गया। तो दूसरे चरण में हुआ कि 1985 से 1985 के अंदर शुरुआत ही इनकी संख्या 18 केंद्रों से मिलकर बढ़कर एक कितने चरण हो गई, 136 चरण। इसमें कितने चरण हो गए, मतलब सॉरी 136 के अंदर शुरुआत की गई, और जो डेयरी स्तर पर केंद्र है उन मतलब ग्राम स्तर पर जो केंद्र खोले थे वो 290 खोले गए थे। 18 केंद्र हो गए, दूसरे चरण में 136 हो गए और 290 है जो ग्रामीण क्षेत्र पर खोले गए। और इसके इसमें एक तीन उद्देश्य थे, मेन था भाई ग्रामीण स्तर में भी दुग्ध को पहुंचाना, ग्रामीण स्तर या ग्राम पंचायत स्तर पर दुग्ध को पहुंचाना। तो पहले चरण में 18 केंद्र खोले गए जिनको चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, और दूसरे चरण में 18 केंद्र 136 में हो गए और 290 जो ग्रामीण स्तर पर खोले गए थे उनको वो डेयरी केंद्र खोले गए थे, और ग्रामीण स्तर पर भी डेयरी विभाग खोले गए या ग्राम पंचायत स्तर पर भी डेयरी केंद्र खोले गए। तीसरे चरण में 1985-96 में दोनों चरणों को मिलाकर इनके बारे में अनेक नियम बनाए गए, और तीसरे चरण में इन्होंने पशुपालन के पशुओं के पोषण व इनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया ताकि इनके मतलब दूध को बढ़ाया जा सके, अनुसंधान के बारे में चर्चा की। तो पहले चरण में क्या हुआ, आपने 18 केंद्र खोले गए और दूसरे में 136 हो गए बढ़कर, और 290 अलग से खोले गए जो ग्रामीण स्तर पर थे, और इनका मेन उद्देश्य था ग्रामीण स्तर पर मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर भी दुग्ध को पहुंचाना, और तीसरे चरण में थे अपने पशुओं के पोषण का इनके बारे में रिसर्च करना, और तीसरे चरण में दोनों चरणों के नियम बनाए गए थे, और तीसरे चरण में इनके अनुसंधान के बारे में बात की गई थी। तो मेनली श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अभी दूध को बढ़ावा देना, मेनली
श्वेत क्रांति के मुख्य उद्देश्य था दूध को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना, और तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य था जो कि उपभोक्ता को उचित दाम पर एक सही प्रकार का सही दूध मिल सके, ये इसके तीन उद्देश्य थे। आज हमने बात की थी श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें अपने मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है, और श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई जिसे तीन चरणों में संपन्न हुई। पहला चरण था जिसकी शुरुआत 1970 से 1980 के बीच में चला, और दूसरा चरण 1981 से 1985 के बीच में चला, और तीसरा चरण 1986 से 1996 के बीच में चला। तो हमने तीन चरणों की बात की, भी तीनों चरणों में क्या हुआ, क्या क्या चर्चा हुई। तो आज अपने थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, क्योंकि शुरू में यही है, कल अपने बात करेंगे RCDF जैसे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बारे में, जिसके बारे में कौन कौन सी सत्र हैं, कौन कौन सी मतलब डेयरी हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर होगी, ग्रामीण स्तर पर होगी या शहरी स्तर पर होगी, ये क्या क्या डेयरी टेक्नोलॉजी, कौन सी सहकारी स्तर पर डेयरी है, कौन कौन सी भारतीय डेयरी है, कौन कौन सी राजस्थान में डेयरी है, ये सभी बातें हम कल के टॉपिक RCDF में करेंगे। तो इसी के साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, भी हमारी क्लासें बच्चों को पसंद आ रही है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।